सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी जानकारी के साथ। देखते रहिए, बने रहिए। रेउषा सीतापुर प्रेम बाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से देखेंगे, ये थाना थान गाँव क्षेत्र के इलाके की हैं और जनपद सीतापुर, और आज 4 अक्टूबर 2020 दिन रविवार की हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर थाना थान गाँव इलाके में एक ट्रक की जबरदस्त ठोकर से ईंटा लोड ट्राली पलट गई, जिसमें ईंटे लोड ट्राली पर सवार 4 लोग जख्मी हो गए। वहीं सभी जख्मियों को जो है स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के द्वारा, रेउषा पुलिस के द्वारा 112 के आरक्षियों के द्वारा स्थानीय प्राइवेट मारूभैन चौराहे पर किसी क्लिनिक पर दिखाया गया है, जहां पर डॉक्टर के द्वारा मानवता पेश करते हुए प्रथम उपचार करने के बाद उनको बाहर और सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी है। आपको बता दें, घटना पर प्रकार डालते चले थाना कोतवाली बिश्मा के शहरी सराय के ग्राम निवासी वसीर पुत्र बाबू एक बिश्मा भारत भट्टे पर एक चालक है ट्रैक्टर का, जो आज रविवार को 4 अक्टूबर 2020 को ट्राली में ईंटा लोड करके के थाना थान गांव इलाके के चहलरी घाट हनुमान मंदिर पर, नवनिर्माणाधीन मंदिर पर ले जा रहा था, और वहीं पर सीतापुर और बहराइच हाईवे रोड नई बस्ती चहलारी गांव के पास एक ट्रक ने जबरदस्त ठोकर पीछे से दे दी, जिससे कि ट्राली पलट गई और ट्राली पर सवार कल्लन पुत्र पुत्तन खां और वहीं पर वजीम पुत्र मोहम्मद उमर और वहीं शिव कुमार पुत्र पंचम, ये और चालक वजीम वसीर, ये 4 लोग जख्मी हो गए। और ट्राली के ईंटे के मलबे को हटाकर स्थानीय लोगों के द्वारा इनको भर्ती कराया गया है प्राइवेट क्लिनिक पर किसी, और वहीं पर एक जिस हिसाब से तस्वीर दिख रही है कि एक मानवता और बड़ा हादसा टला है, क्योंकि ईश्वर बड़ा कारसाज होता है, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया, गनीमत रही, जख्मी होकर रह गए। आप देख सकते हैं, ये आपकी खबर आप तक। ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ जनपद सीतापुर के थाना थान गाँव इलाके की हैं और बहराइच और रेउषा सीतापुर हाईवे रोड की है, जहां पर ये तस्वीरें बयां करती हैं कि वास्तव में एक बड़ा कोई हादसा घटा है। लेकिन ले चलते हैं हम तस्वीरों के पास, क्योंकि जो तस्वीर बयां कर रही है कि एक ट्राली ईंटे से लोड पलट गई है, बीच रोड पे बेड़ा बेड़ा लगी हुई है, जो कि रोड पूरी तरीके से बाधित है, और यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों का तांता लगा है। लेकिन हम बात करेंगे पूरी तरीके से यहाँ पर कैसे क्या हुआ है, पूरी घटना कैसे क्या हुआ है। अरे हम तो अभी आए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं और अब इनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी एक जुमला देखने को मिला लोगों का, कारवां कैसे क्या हुआ हो बताओ 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 जैसे यार मामले। ये ट्राली ईंटा जो पलटी है, चालक ड्राइवर से, क्या नाम है आपका? बशीर। पिताजी का? बाबू। घर कहाँ है? शहरी सराय। जिला? सीतापुर। थाना? बिश्मा। शहरी समय का लगता है। कैसे ये ट्राली पलटी, कैसे क्या हुआ? हम जा रहे थे आराम। किधर जा रहे थे ट्राली लेकर? ये मंदिर पास ही उठा लेके। ये हनुमान मंदिर चहलरी घाट? हाँ, यही पास। अच्छा, आराम से गाड़ी रहा है। आप बिश्मा की तरफ से बहराइच जा रहे थे? हाँ। अच्छा, कितना ईंटा लोड था इसमें? 4000। 4000 कहाँ का ईंटा था? सुपर भट्टा। नहीं नहीं, ईंटा कहाँ ले जा रहे थे? ईंटा लिए मंदिर पर। अच्छा, मंदिर पर लिए जा रहे थे। फिर कैसे क्या हुआ? अच्छा, कौन मारा साइड? मोटर वाला। मोटर किधर से किधर जा रहा था? बहराइच से। किधर से जा रहा था? बिश्मा से बहराइच जा रहा था। आप भी एक ही दिशा में जा रहे थे? मतलब जिसने टक्कर मारी वो एक ही दिशा में, आप भी उधर जा रहे थे बहराइच और ट्रक वाला भी जा रहा था? फिर कोई चोटिल तो नहीं हुआ? उस लेबर का क्या नाम है? वजीम। पिताजी का? मोहम्मद उमर। घर कहाँ है उसका? सहरी सराय। एक ही गांव के हो? कई लोग सवार थे इस पे? 4 लोग। 4 लोग कौन कौन? बशीर, शिव कुमार, कल्लन, वजीम। ये और निको चोटे तो नहीं आई? नहीं नहीं, लेबर का चोट आई केवल, वो लेबर था वो। हाँ, लेबर। अच्छा अच्छा, क्या नाम था? कल्लन। अच्छा अच्छा, ये ईंटा आप लिए जा रहे संकट मोचन हनुमान मंदिर पर चालारी घाट, और वहीं पर एक ट्रक भाग गया मौके से, मिला नहीं? मिल गया। 6 नंबर ने गाड़ी को पकड़ लिया है, जैसा कि बताया गया। के आरक्षी मौके पर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं घटना स्थल एक बार बड़ा हादसा टला है, अन्यथा जो यहां पर प्रत्यक्षदर्शी और लोगों के अनुसार जो देखा जा रहा है
तस्वीरों के माध्यम से घटना कुछ और ही होती, लेकिन यहाँ पे तत्काल सूचना पर 100 के आरक्षी मौके पर पहुँच गए हैं और उस ठोकर देने वाले ट्रक को भी पकड़ लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तस्वीरें मौके पे, और जख्मियों को यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा प्राइवेट पहुँचाया गया है। उनकी भी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएंगे। और मोटरसाइकिल थाना वाले पुल पे पकड़े जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने पकड़ा। अच्छा, ये हादसा कैसे आपके नज़रों के सामने सुना है, घटा है, कैसे क्या हुआ, किधर से आप जा रहे थे? अच्छा, ट्रक किधर किधर जा रहा था? दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे। अच्छा, फिर आदमी बचाने के चक्कर में थोड़ा पास में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हल्का लगड़ा लग गया। अच्छा, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, जख्मी एक आदमी जख्मी हुआ है। अच्छा अच्छा, फिर उस ट्रक को आपने दौड़ा के पकड़ लिया, फिर उसकी सुपुर्दगी कहाँ पे की है? चौकी पे, उसकी 100 नंबर लेके आ रही है चौकी। अच्छा अच्छा, ये घटना कौन पड़ता है? लेकिन आपके आपका कहाँ पड़ता है थाना? मेरा थाना रेवता। पकड़ा आपने। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जाबाजी और शाबाशी देनी होगी यहाँ के 100 रेवसा के आरक्षी हैं। PRB नंबर क्या है आपका? 1815। और ये इधर कहीं जा रहे थे और अचानक इनके नज़रों के सामने ये हादसा टला, बड़ा हादसा टल गया है। और इन्होंने एक को वास्तव में जो कहना चाहिए शाबाशी के तौर पर, उन्होंने तत्काल वहाँ पे जाड़ा के उसको दौड़ा के पकड़ लिया है। और उसको ये घटनास्थल थाना थान गांव है, जहाँ पे रेवसा की PRB 1815 के द्वारा उस ट्रक को पकड़ा गया है दौड़ा के, और उनको यहाँ पे घटनास्थल थाना थान गांव के सुपुर्द किया गया है। काफ़ी ये प्रत्यक्षदर्शी, ये बताओ ये कौन सा गांव है जहाँ पे हुआ है? चलारी। ये कौन सा गांव है? चलारी, चलारी। नई बस्ती, चलारी। ये चलारी नई बस्ती के पास हादसा हुआ है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रधान के घर के सामने। अच्छा अच्छा, गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं टला, नहीं हुआ, एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन वास्तव में आप देख सकते हैं किस कतर से जो ये तस्वीर बयां कर रही है। और ये घटना स्थल थाना थान गांव पड़ता है, जनपद सीतापुर का। और ये आपको स्थल बता दें, ये नई बस्ती चहलारी ये गांव है जिसके पास की ये तस्वीर है, वो हादसा वहीं है। लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि अन्यथा ये तस्वीरें जो बयां करती हैं, इधर प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि एक बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन इस पे जो बैठा एक सवार लेबर जख्मी हुआ है मात्र, और हल्का फुल्का इस ट्रक ट्रैक्टर के चालक जख्मी हुआ है। आपको बता दें कि ईटा जो है चहलारी घाट त्यागी महाराज मंदिर पे जा रहा था लेकर, और एक ही दिशा में जा रहे थे, और ट्रक ने एक दूसरे के आदमी को बचाने के चक्कर में इसमें ठोकर दे दी, जिससे कि अनियंत्रित होकर यह ट्रॉली पलट गई। करीब 4000 के आसपास इसमें ईटा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो शाबाशी और जाबाजी दिखानी यहाँ पे देखने को मिली, एक 100 रेवसा के 112-1815 के आरक्षियों की, क्योंकि वो सामने से जा रहे थे, बाधित है। और जिस हिसाब से आप देख सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त ठोकर थी इस ट्रक की कि अगला पहिया इस ट्रैक्टर की पंचर हो गई। आप देख सकते हैं इस कदर से इतनी ज़बरदस्त ठोकर थी कि रिम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। और ये जिस हिसाब से यहाँ पे तस्वीर देखने को मिल रही है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से ये शिवराज गाड़ी ट्रैक्टर की ऊपर टंग गई है। अगर एक ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रहा जिससे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा इन तस्वीरों के माध्यम से एक बड़ा हादसा होना चाहिए था। और आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो अच्छाइयाँ देखने को मिली, यहाँ पे 1815 रेवसा के PRB गाड़ी की, और उसमें आरक्षी जा रहे थे, और तत्काल अपने यहाँ का स्थल भी न होने के उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी भूमिका यहाँ पे निभाई। ये थाना रेवसा के आरक्षी हैं 1815 के, जिसमें राजीव कांस्टेबल हैं, और दरोगा रिपुदमन सिंह हैं, और चालक भी हैं, जिनकी वास्तव में एक अपना घटनास्थल न होने के बावजूद भी एक मानवीय और इंसानियत चेहरा दिखाया। और यहाँ पे ग्रामीणों का भी एक जो चलारी के पास हादसा हुआ है देखने को मिला कि पूरी तरीके से रास्ता बाधित है और हाईवे रोड है, उसके बावजूद यहाँ पे एक बानर की सेना जैसी यहाँ पे सब जुटे हुए हैं, और रोड को खाली कराने में यहाँ पे पुलिसकर्मी 1815 के आरक्षी रेवसा के जुटे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किस कदर से हाईवे रोड है, अगर जरा सा भी जाम हो जाए तो कितनी बड़ी जाम लग सकती है और कितना नुकसान हो सकता है यातायात का। लेकिन यहाँ पे वास्तव में PRB 1815 रेवसा की पुलिस
के द्वारा, आरक्षियों के द्वारा यहाँ पे देखने को मिली। आप देख सकते हैं एक गाड़ी नजर हम दिखाते हैं, क्योंकि ट्रक पीछे से खड़ी है, क्योंकि गाड़ियां निकल नहीं सकती हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला, पूरी तरीके से रोड बाधित है, लेकिन यहाँ पे इस गांव के चहलारी घाट के जो चहलारी नई बस्ती के गाँव के ग्रामीण हैं, बच्चे हैं, आप देख सकते हैं किस कदर से एक अहम भूमिका रोल अदा कर रहे हैं इस रोड को खाली करने के लिए और जाम न लगने पाए, जिसकी वजह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं। पूरे गांव के ग्रामीण यहां पे जुटे हुए हैं और यहां पे उनकी शाबाशी यहां पर पुलिसकर्मी दे रहे हैं कि वास्तव में गांव की जितनी भी सराहना की जाए उतनी अच्छी है, क्योंकि तत्काल जब ट्राली पलटी तो उस लेबर बैठा उस ग्रामीणों के यहाँ के द्वारा उसको तत्काल यहाँ से उसके ईंटों के मलबे से निकाल कर तत्काल प्राइवेट मारू बहना स्थानीय दिखाया भी गया। हम ले चलेंगे उनके, उनसे भी पूरी घटना को रूबरू कराएंगे, पूरी आप खबर देखें। आप देख सकते हैं रवशा सीतापुर प्रेम बाती की खबर, सा देख रहे हैं कि कैसे एक बाल बाल हादसा कर गया। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। कोई चोटिल तो नहीं हुआ? नहीं, नहीं, किसी के नहीं लगी। और एक जो लेबर बैठा रहा उसके चोट लगी, उसके चोट लगी है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर पड़ता है हैदरपुरवा। हैदरपुरवा, अच्छा अच्छा। मतलब ये हादसा ये किस गांव के पास का है? नई बस्ती चहलारी के पास का। घटना थाना कौन लगता है? ये थाना थान गांव लगता है जहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पुलिस तो रवशा की दिख रही है। पुलिस यहाँ पे रवशा की दिख रही है, लेकिन उन लोगों ने जाकर पीछा किया कुछ दूर पहले और फिर थाना थान गांव लोगों को इत्तला दे दिया, वो लोग आकर के उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, ट्रक को पकड़ लिया गया। पकड़ा तो रवशा की पुलिस ने है, पकड़ा तो रवशा की पुलिस है, लेकिन जब यहाँ पे पुलिस थान गांव की बजाय रवशा दिख रही है तो इस पे आप क्या कहेंगे इसकी, पुलिस की? जाकर के उसका पीछा किया और फिर उसको भाई अपना क्षेत्र न होकर के उसके बावजूद भी ऐसा कर किया तो एक मानवीय चेहरा और एक इंसानियत और न्याय की बात की। जो ट्राली पलटी है उस पर बैठे हुए थे, लेकिन हम बात करते हैं इनको प्राइवेट यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? कल्लन। हैं? कल्लन। कल्लन। पिताजी का? पुत्तन। पुत्तन। घर कहाँ है? शहरी सराय। थाना कौन लगता है? विश्व कोतवाली। अच्छा अच्छा, स्थानीय शहरी सराय गांव में रहते हैं। क्या नाम, कैसे क्या हुआ था, आप कहाँ जा रहे थे? यही चलारी घाट जो त्यागी महाराज मंदिर है वहाँ, जो हनुमान मंदिर निर्माणाधीन, वहाँ ईंटा लेकर जा रहे थे। अच्छा, कितना ईंटा लोड था ट्रॉली में? 4000। तो आप बैठे कहाँ थे? ऊपर बैठे थे। फिर कैसे क्या हुआ? आप किधर जा रहे थे? अच्छा, फिर और ट्रक किधर से किधर जा रहा था? दोनों लोग एक ही दिशा में जा रहे थे, तो ठोकर पीछे से मारी है साइड में ट्रक वाले ने। अच्छा अच्छा, और कौन गाड़ी चला, कौन रहा था, क्या नाम है उसका? बशीर। किसका लड़का है? बाबू का। बाबू का। अच्छा, और कौन लोग मतलब जो है सवार थे साथ में? अच्छा, चोटिल के लोग हुए? अच्छा अच्छा, और किसी को चोटें तो नहीं आई? नाम है बेटा? शिव कुमार। पिताजी का? पंचम। पंचम। घर कहाँ है? शहरी सराय। शहरी सराय। आप ट्राली पे ही थे जो ट्राली पलटी? जी, मैं हम ट्रैक्टर पर बैठे थे। अच्छा अच्छा। वजीम। वजीम। पिताजी का? मोहम्मद कुमार। और घर कहाँ है? शहरी सराय। शहरी सराय के ही निवासी। ये जो ट्रॉली पलटी है उसी में जख्मी हुई हैं आप लोग? हाँ, उसी में मैं ट्रैक्टर पर बैठा। अच्छा अच्छा। गाड़ी चला रहे थे? बशीर नाम है। अच्छा, कई लोग जख्मी हुए हैं? ये कई लोग मेन, कई लोग जख्मी हैं? चार लोग। सब एक ही गांव के हैं? एक